अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या होता है और सिग्नल्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास डाटा है आर दी एंटिटीज दैट कन्वे मीनिंग। डाटा के अंदर कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आप कह सकते हो शाकैक मौजूद होते हैं, कुछ फिगर्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग की जाती होती है। और सिग्नल जो है वो हमारे पास सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकोडिंग ऑफ डाटा है जिसके ऊपर फर्दर जो है वो वर्किंग की जाती होती है। तो डाटा और सिग्नल दोनों जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो बेसिकली उसके अंदर दोनों डाटा और हमारे पास जो सिग्नल्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ हम यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं वॉइस हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिफाइन करें तो उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन ये होती है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो मिलते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, डाटा को शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है और डिफरेंट रिसोर्सेज को जो है वो शेयर करना होता है। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो कि प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर मैं उन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। तो मोस्टली जो हमारे पास डाटा होता है वो मोस्टली डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो फर्दर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, हमारे पास ट्रांसमीटर है, रिसीवर है और मीडियम है। नेटवर्क्स के अंदर जो है जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वहाँ पे मोस्टली आपको मिलते हैं, जैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो डाटा जहाँ से सेंड किया जा रहा है वो आपके पास एज अ ट्रांसमीटर कहलाता है और जहाँ से डाटा रिसीव किया जा रहा होता है वो आपके पास एज अ रिसीवर कहलाता होता है। तो जब भी कम्युनिकेशन की जाती होती है हमेशा दो जो है वो मिनिमम, जैसे हमने अभी कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर दो यहाँ पे मिनिमम जो है वो जो यहाँ पे एंटिटीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं कि डाटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। और जब हम डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं तो उस पर्पज के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन मीडियम है, एक हमारे पास गाइडेड मीडिया होता है और दूसरा जो है वो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास सारा का सारा जो फिजिकल मीडिया है जिसको हम वायर्ड मीडिया कहते होते हैं वो सारे के सारे यूज किए जाते हैं, जैसे हमारे पास कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है या फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। इसी तरह से हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया यूज किया जाता है उसके अंदर मोस्टली हम वायरलेस सिग्नल्स को जो है वहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, सेटेलाइट के हैं, ब्लूटूथ के हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिग्नल यहाँ पे मौजूद होते हैं। फर्दर हम अपने एक्चुअल जब टॉपिक की तरफ आते हैं तो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एनालॉग सिग्नल जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं और जो इसकी वे है, इसका कम्युनिकेशन वे है या इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा यहाँ पे स्मूथ होती है, जैसे ह्यूमन वॉइस है उसकी एग्जाम्पल है जिसको स्पीच कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज, स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो उनकी वैल्यूज होती हैं वो इनफिनाइट होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल आ जाते हैं जो कि डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ये मौजूद होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो बाइनरी फॉर्म के ऊपर कंसिस्ट करती है। एक्चुअली हमारे पास जो सिस्टम यहाँ पे अभी करंटली मौजूद है, जितने भी सिस्टम करंटली हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सारे के सारे मोस्टली डिजिटल सिस्टम है और उनकी जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होती है। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। आपको यहाँ पे ग्राफिकली जो है वो शो करवाया जा रहा है कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक वेव के अंदर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे सिग्नल मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एज अ डिजिटल सिग्नल है वो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो यहाँ पे सिग्नल्स मौजूद हैं ये सारे के सारे यहाँ पे वेव की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ह्यूमन वॉइस होती है वो स्मूथली यहाँ पे ऐसे चल रही होती है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जितने भी जो सिग्नल यहाँ पे मौजूद होते हैं वो आपके पास यहाँ पे इसी फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एज अ जो है वो 1 यूज किया जाता है, इसी तरह से ये आपके पास यहाँ पे एज अ 0 यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसी तरह से ये कंजेक्टिव जो है ये आपके पास यहाँ पे कंजेक्टिव 1 1 भी आ सकते हैं और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजेक्टिव जो है वो आपके पास यहाँ पे 0 0 भी आ सकते होते हैं। दोनों फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे आप डिस्क्रीट सिग्नल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। तो फर्दर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि आपके पास कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स की है और जिसको हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास
जो डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं वो 0 और 1 के फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो आपके पास एम्पलीट्यूड है। जब हम एम्पलीट्यूड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ये इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कहलाता है कि जो वेव है हमारे पास उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड की यहाँ पे आप जैसे डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड जा रही है, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये आपके पास सारी की सारी जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे नजर आ रही है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे कोई हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स की दो टाइप आ जाती है, एक पीरियडिक सिग्नल आ जाती है और सेकंड जो है हमारे पास ए पीरियडिक सिग्नल आ जाती है। जो पीरियडिक सिग्नल है वो पैटर्न रिपीट होता है ओवर टाइम के अंदर, जो आपके पास एनालॉग सिग्नल है वो इसकी एग्जाम्पल है पीरियडिक सिग्नल्स की, जो कि एक पैटर्न को कंप्लीट करते हैं एक स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम फ्रेम के अंदर, और उस मेजरेबल टाइम फ्रेम को हम कहते हैं वो हमारे पास एक पीरियड कहलाता होता है, ठीक है ना, और वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो रिपीट होते हैं। अभी हम आगे जाके उसके एग्जाम्पल, पहले भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी इसके आगे एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ए पीरियोडिक सिग्नल यहाँ पे आ जाते हैं, ए पीरियोडिक सिग्नल जो है बेसिकली आपका पैटर्न है नॉट रिपीट ओवर टाइम। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स के अंदर कंजेक्टिव जीरोस भी आ रहे थे और कंजेक्टिव जो है हमारे पास वंस भी आ रहे थे, तो डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल जितने भी हैं वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे पास यहाँ पे एज अ ए पीरियोडिक सिग्नल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल हैं और ए पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो दोनों डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आपको यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि जो एनालॉग सिग्नल है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ ह्यूमन वॉइस के अंदर जो है यूज किए जाते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास एक अब यहाँ पे एक जो है वो हम कहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है, या यहाँ पे हम इसको ओवरऑल एक पूरा सिग्नल जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इसके बाद वो फिर दोबारा यहाँ पे वो खुद को रिपीट करता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है ना, 0 के फॉर्म के अंदर ये कॉन्टिन्यूसली है या 1 के फॉर्म के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है, सम टाइम कंजेक्टिव 0 भी हो सकते हैं और सम टाइम कंजेक्टिव यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास उसके बाद जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसके यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उसको हम जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं एनालॉग सिग्नल के और डिजिटल सिग्नल्स के वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एनालॉग सिग्नल्स के जो है वो 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड है, फिर सेकेंड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, थर्डली जो है हमारे पास यहाँ पे फेज कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है ऑफ द सिग्नल इज द हाईएस्ट ऑफ द वेव। जैसे अभी मैंने आपको मेंशन भी किया था कि हमारे पास किसी भी वेव सिग्नल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता होता है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो पीक वैल्यू है जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज अ एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहलाता है, और हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे ये आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये सबसे जो टॉप पॉइंट है ये हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है, या जिसको हम कहते हैं हमारे पास हाईएस्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहलाता होता है, ठीक है। तो पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू जो होती है वो सबसे किसी भी सिग्नल के अंदर यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू ये हमारे पास एज अ एम्पलीट्यूड कहलाता होता है। सिग्नल रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी, के उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज अ एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को जब हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि ये रेट है एट विच सिग्नल जो है रिपीट एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो सिग्नल को रिपीट करते हैं, और इसको हम मेजर करते होते हैं यहाँ पे हर्ट्स के अंदर जो है इसको मेजर किया जाता है। आप जब जैसे अपने एम्पलीट्यूड बताया यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये सारी सारी यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास डाटा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, और टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम जो है ये यहाँ पे हमें एक पीरियड नज़र आ रहा है, जैसे अभी हमने पीरियडिक और ए पीरियडिक सिग्नल को यहाँ पे डिस्कस किया था तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है पीरियडिक सिग्नल्स की यहाँ पे हमें नज़र आ रही है।
अब यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी है। कैसे हमें पता चलता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं या फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, 6 है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 है। इसका मतलब है पीरियड को यहाँ पे एक कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे पीरियड को कंप्लीट होने में जो है वो हमें कम टाइम लग रहा है। तो हम कहते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम मैयर कर सकते होते हैं हर्ट्स के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है फर्दर जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, इसके थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी फेज था। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है। यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हम रिगार्डिंग टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, सेकेंड के अंदर फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेजर की जा सकती है, यहाँ पे उसका जो पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम के एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर सेकंड्स के अंदर जो है वो किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, उस पर पज करिए यहाँ पे फार्मूला मौजूद है F=1/T। इससे हम फर्दर जो है इसको हम इसका यूज भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है जैसे अभी हमने स्टार्ट के अंदर इसको डिफाइन भी किया था कि रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अंदर जो है जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा था एक स्पेसिफिक जो सिग्नल है वो खुद को यहाँ पे रिपीट कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं हमारे पास एज अ फ्रीक्वेंसी कहलाती होती है। तो अगर हमारे पास सिग्नल नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास सिग्नल नजर आ रहे हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे अगर हम इस सारी सारे सिनेरियो को, ये हमारे पास पिक्चर है या हमारे पास यहाँ पे सारे पिक्चर्स हैं, इन सारे सिनेरियोज को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे फर्क नजर आता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम के अंदर यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो है वो लो और हाई के हिसाब से जो है यहाँ पे अपने नंबर ऑफ साइकिल्स को कंप्लीट करती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 6 पीरियड है 1 सेकेंड के अंदर जो है, और फ्रीक्वेंसी जो है इसका मतलब है इसका 6 हर्ट्स है, और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे 6 है, ये टी टोटल टाइम टी है, इसका मतलब है 1 साइकिल को कंप्लीट होने का जो टोटल टाइम है वो टी है, और 1 है 1/6, इसका मतलब है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 6 है, और एक जो हमारे पास पीरियड है यहाँ पे उसको हम कहते हैं 1/6। तो टोटल इसका मतलब है 6 पीरियड इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 6 हर्ट्ज हो गई। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक जो है 1 हर्ट्ज है, यहाँ पे 2 हर्ट्ज है, और यहाँ पे 3 हर्ट्ज है सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर, अगर हम यहाँ पे इसको इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट्स दिए गए हैं पीरियड्स और फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं, सेकेंड है, मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, उसकी जो है वो इक्वलेंस यहाँ पे दी गई है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आ जाती है कि हमें किस तरह से फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे यूनिट्स भी मौजूद हैं, और साथ साथ हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेशन हम इसको किलोवाट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेगाहर्ट्ज के अंदर, या डिफरेंट जो वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं उसकी इक्वलेंस भी मौजूद है जब भी हम अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास फेज क्या होता है। फेज जो है वहाँ पे सिग्नल इज द पोजिशन ऑफ द वेव लेंथ वेव फॉर्म रिलेटिव टू गिवन मोमेंट ऑफ टाइम रिलेटिव टू टाइम 0। तो हम डिफरेंट फेजेस से जो है हमारी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो सकती है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो है हमारे पास फेज हो सकता है। उसके अलावा डिफरेंट और फेजेस की एग्जाम्पल है जैसे 45 है, 90 है और 35 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फेजेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मजीद यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। अब देखें ये फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, और फिर अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास अप से स्टार्ट हो रहा है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास यहाँ पे 90 कहलाता है, और एम्पलीट्यूड यहाँ से बॉटम से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो 160 यहाँ पे कहलाता होता है। तो यहाँ पे फेज को जब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से फेज जो है वो 0 है, उसका 0 डिग्री है, यहाँ से फेज जो है हमारा अप से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री के ऊपर हमारा फेज है, और यहाँ से फेज जो है हमारा डाउन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो फेज है वो 180 डिग्री तक यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से आप फेज की वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो करवा सकते होते हैं। तो फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पे फेजेस की डिफरेंट जो है वो किस तरह से फेज चेंज होते हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास
जो ये वैल्यू है, आप देखें ये हमारे पास यहाँ पे एंटर, ये 180 पे है, और यहाँ पे देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी जो हम जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अभी हमने की थी 90 से ऊपर। तो इसके डिफरेंट फेजेज हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, आपने फर्दर इसके यहाँ से देख लेना है। तो इसी तरह जो हमारे पास अभी हम एनालॉग सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो जो अभी हम इस वेव को देख रहे हैं, ये जैसे आपको यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे जो है वो वेव नज़र आ रही है, ये सारी कंप्लीट वेव जो है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज अ साइन वेव कहलाती होती है। तो साइन वेव के अंदर जो है हम तीन चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, एक हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है हम अब इसको पहले डिस्कस भी करके हैं, वो हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी है, रेट ऑफ चेंज है, उसके अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास हाई भी हो सकती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं हर्ट्ज के अंदर। अब हमने स्लाइड्स के अंदर लास्ट टाइम इसको पढ़ा था, और उसके अलावा हमने यहाँ पे फेज को भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे पास साइन वेव एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फार्मूला यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे वैल्यू सकी वन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो ए है इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 5 है, इसी तरह एफ 4 है, इसका मतलब है कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 4 है। अभी हमने यहाँ पे फेज को भी डिस्कस किया था, अब यहाँ से क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है फेज जो है वो 0 है, और हमने यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है, और हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर होगा, इसका फार्मूला मौजूद है 5, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है sin 2π, और 4 जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और 7 जो है हमारे पास यहाँ पे 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे T10 है, F जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास हाई है, यहाँ पे 8 है, और पोजीशन भी जो है यहाँ से 0 से है। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करके जो है वो आपका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर, और यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, एम्पलीट्यूड जो है 5 है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो 8 फ्रीक्वेंसीज हैं, और टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे 10 है, एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते होते हैं, जिस तरह से आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो इजिली यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो वेरिंग है साइन वेव, डिफरेंट यहाँ पे उसकी शेप नज़र आ रही है साइन वेव की, जैसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे अंडर उसके वैल्यूज मौजूद हैं, आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, इसका फेज जो है वो कितना है, आप इसको यहाँ से जो है वो देख सकते हैं फर्दर। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक वेवलेंथ आ जाती है, वेवलेंथ क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है ऑक्यूपाइड बाय 1 सेकल, एक साइकिल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ जो है वो वेवलेंथ कहलाता होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक जो हमारे पास यहाँ पे पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सारा का सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग फेज इन 2 कंजेक्टिव साइकिल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, वो हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है, और इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ से आपके पास उसका फार्मूला भी मौजूद है, आप इसको फर्दर जो है यहाँ से देख भी सकते होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर वेवलेंथ जो के दो डिस्टेंस फाइंड किया जाता है 2 पॉइंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस के दरमियान जो पॉइंट्स है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज अ लैम्डा यहाँ पे कहलाता होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला लेक्चर हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को, डिजिटल सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेक्ट्रम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हार्मोनिक सिग्नल कौन से होते हैं, कंपोजिट सिग्नल्स कौन से होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे।